गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू साइंस। आवर टॉपिक इज चैप्टर 2 है, द वर्ड ऑफ प्लांट्स। ओके, गाइडलाइन फॉर यू, डू ऑल द वर्क इन न्यू साइंस नोटबुक चिल्ड्रन। पहले क्या है, आप पुरानी नोटबुक में काम करते थे, आप साइंस की न्यू नोटबुक बनाएंगे और उसमें ये काम करेंगे। ओके, योर वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन। जो आपका वर्क है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, दिस वर्कशीट विल नॉट बी सबमिटेड। जो ये आपकी वर्कशीट है ये आपको सबमिट नहीं करना है। ओके, प्लीज़ इग्नोर द सबमिशन डेट। अर्सल में जो सबमिशन डेट दिया होगा आपको उसको इग्नोर करना है। ओके, नाउ चिल्ड्रन टिक द करेक्ट आंसर। ओके, आपने जो ये क्वेश्चन दिए हैं इनमें आपने चूज कर उस पर राइट आंसर पे टिक करना है। चिल्ड्रन विच वन नीड सपोर्ट टू स्टैंड। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू इन प्रीवियस वीडियो कि किसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है स्टैंड, सीधा खड़ा रखने के लिए किसको ज़रूरत होती है, इज इट ट्री और क्लाइंबर। चिल्ड्रन ट्री बिग एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। ओके, एंड क्लाइंबर आर प्लांट्स हूज स्टेम्स आर वीक सो दे क्लाइंब अप ट्री एंड वॉल फॉर सपोर्ट टू ग्रो। ठीक है चिल्ड्रन, क्या बोला है कि किसको जरूरत होती है, वॉल और अदर प्लांट की सपोर्ट की ग्रो करने के लिए, चिल्ड्रन क्लाइंबर को। ओके, सो क्लाइंबर इज राइट आंसर। ओके, सो क्लाइंबर इज राइट आंसर। चिल्ड्रन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रीपर। अब क्रीपर किसे कहते हैं चिल्ड्रन, अ प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर। जो ग्राउंड में ग्रो करते हैं, अलोंग द ग्राउंड में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रीपर। अब विच वन राइट आंसर, रोज वाटरमेलन। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन रोज वाटर, रोज क्या है, श्रब है। श्रब का क्या होता है, वुडी स्टेम होता है, ठीक है ना। और वाटरमेलन क्या है, क्या करता है, ग्रो करता है कहाँ, अलोंग द ग्राउंड में, ठीक है ना। वाटरमेलन क्या है, क्रीपर है। ओके, तो राइट आंसर इज वाटरमेलन। क्या है, वाटरमेलन। विच वन राइट आंसर, वाटरमेलन। ओके चिल्ड्रन, वेरी स्मॉल प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स या हर्ब्स। बताइए चिल्ड्रन, श्रब्स किन्हें कहते हैं, सनफ्लावर, रोज, ओके, जिनका वुडी स्टेम होता है। हर्ब्स किसे कहते हैं, जिनका स्टेम क्या होता है, ग्रीन होता है, बहुत ही वीक होता है, उनको क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। सो वेरी स्मॉल प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स। ओके चिल्ड्रन, राइट आंसर इज हर्ब। ओके, अ बर्ड ग्रो इनटू अ फ्लावर्स एंड फ्रूट। विच वन राइट आंसर, डू यू नो। ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट यू टेल मी व्हाट आर बर्ड। बर्ड किसे कहते हैं, डू यू नो, बर्ड को कहते हैं, आपने देखा होगा कली देखी फूल खिलने से पहले, उसको क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। बर्ड, आई एक्सप्लेन टू यू, बर्ड क्या है, अ स्मॉल लंप ऑन अ ट्री और प्लांट दैट ओपन एंड डेवलप्स इंटू अ फ्लावर। ओके,
ठीक है ना चिल्ड्रन? वंस अगेन, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट डेवलप्स इनटू अ फ्लावर, उसे क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं, ठीक है ना? कली कहते हैं, ये भी क्या है? प्लांट का पार्ट है, ठीक है ना? जो क्या है? कली के रूप में होती है, बाद में क्या बनती है? ये फ्लावर्स बनती है, फ्लावर बनती है, ओके? ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द शूल? बताइए चिल्ड्रन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द शूल? रूट ऑफ फ्लावर्स? चिल्ड्रन बताइए, रूट होता है या फ्लावर्स होता है शूल में? टेल मी, व्हाट आर रूट्स एंड व्हाट आर फ्लावर? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू, फ्लावर क्या है? पार्ट है प्लांट का, ठीक है ना? एंड व्हाट आर रूट? रूट किसे कहते हैं? डू यू नो? ओके, रूट क्या है? द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड टेक्स इन वाटर एंड फूड फ्रॉम द सोयल, ओके? उसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, जो पेड़ पौधे की जड़, जो जमीन के अंदर रहकर मिट्टी से आहार लेती है। जैसे आप खाना खाते हैं ना, ऐसी रूट क्या करती है? पूरे प्लांट को या ट्री को क्या देती है? खाना देती है, ठीक है ना? ऐसे बोल सकते हैं, ओके? द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड टेक इन वाटर एंड फूड फ्रॉम द सोयल, ओके? तो विच वन राइट आंसर? आंसर इज रूट। जो सोयल मिट्टी के अंदर रहती है उसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, ओके? फ्लावर कहाँ होता है? टॉप में होता है। रूट कहाँ होती है? बॉटम में, नीचे होती है, ओके? चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज, नोट है आपके लिए, वीडियो लेक्चर ऑफ द टॉपिक कैन बी सीन एट द ट्यूटोरियल पोर्टल, ओके? गो टू स्टूडेंट लॉगिन, गो टू ट्यूटोरियल, सी द वीडियो, ओके चिल्ड्रन? सो यू डू दिस वर्क वेरी नीटली, ओके, इन योर फेयर नोटबुक, ओके चिल्ड्रन? आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।